हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि गवर्नमेंट इंडिया ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना कंपलसरी किया है। अगर आपने आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो कुछ समय के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो बंद हो जाएगा, और बंद हुआ पैन कार्ड अगर आपने कहीं इस्तेमाल किया तो आपको 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये जुर्माने से बचने के लिए आप आपके पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लीजिए। और इसको करने का सही प्रोसेस क्या है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम गणेश है। वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा, समाधान बस और कुछ नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाना है और ये ई फिलिंग का जो साइट है इसको ओपन करना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है लिंक आधार, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने बताया था कि आप एक फ्री में आपका पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको देख लेना है कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है क्या नहीं। तो ठीक है, देखो मैंने अभी 10 दिन पहले ही पैन कार्ड बनाया तो मेरा लिंक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि लिंक होगा ही। तो ये मैं क्रॉस चेक करने के लिए मैं मेरा पैन कार्ड डिटेल और आधार कार्ड डिटेल और मेरा नाम ये जितना भी दिया है ये सब भर के लेता हूँ। तो भरता हूँ, मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। देखो, पूरा इन्फॉर्मेशन भर के होने के बाद आपको ये जो 2 कंसेंट हैं उसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद लिंक आधार के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक आधार के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP जाएगा। तो आपको क्या करना है, OTP आने के बाद आपको इसको डाल के लेना है और वैलिडेट करना है। तो देखो, OTP डाल के होने के बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वैलिडेट के ऊपर क्लिक करोगे ये देखो आपको दिखाई देगा, ऐसा मैसेज आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम रुकना है। रुकने के बाद आपको वापस ये वाला जो ऑप्शन है लिंक आधार स्टेटस के, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और कुछ टाइम के बाद तो आपको क्या करना है, इसमें जाके आपको वापस आपका पैन और आधार का डिटेल डालना है। और डालने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं है। देखो, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, वापस आपका पूरा डिटेल भर के लेना है। भर के होने के बाद आपको लिंक व्यू स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो, आपको क्या करना है, ये चेक करने के लिए आपको कुछ समय के बाद को यही वाला प्रोसेस करना है। कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो लिंक है या लिंक नहीं है वो दिखाई देगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये मैंने अभी जस्ट अभी लिंक किया है तो ये अभी शो नहीं होगा तुरंत। तो आपको 1 या 2 दिन के बाद वापस यही साइट पे आके चेक करना है तो आपका वो जो लिंक है या नहीं आपको दिखा। देखो, इस तरह से आप आपका पैन और आधार कार्ड लिंक का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।